हाँ जी बेटा, आज का टॉपिक है हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम क्या है कि कोई भी कंट्री कितना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रही है, उसमें हमने एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करना है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए किसी कंट्री को एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। हर कंट्री अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स चलाती है, अलग अलग सब्सिडीज़, इंसेंटिव्स, प्रोत्साहन प्रोवाइड करती है, ताकि वो कंट्री एग्जिम पॉलिसी के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए इजीली अपनी कंट्री में तुम यार ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज़ देके उस कंट्री में हम एग्जिम पॉलिसी को फॉलो करें और अपने एक्सपोर्ट्स को और इम्पोर्ट्स को रेगुलेशन के तरीके से, यानी कि प्रॉपर प्रोविजंस को फॉलो करते हुए आप किस तरह से फॉरेन करेंसी को एडजस्ट कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट के पॉलिसी को फॉलो करते हुए प्रमोट करना है अपने एक्सपोर्ट को और अपने इम्पोर्ट को उतना करना है जितना कि आपको नेसेसिटी है। अननेसेसरी इम्पोर्ट्स अलाउड नहीं होते। हम एग्जिम पॉलिसी बनाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं किसी भी कंट्री, स्पेसिफिक कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। आई रिपीट, किसी भी कंट्री के लिए और वो स्पेसिफिक कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए हम उस कंट्री की एग्जिम पॉलिसी बनाते हैं, और इसी एग्जिम पॉलिसी को ही हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं। क्योंकि कोई भी कंट्री जब भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेगी तो अपनी कंट्री की एग्जिम पॉलिसीज़ को यूज़ करते हुए ही वो कंट्री फॉरेन ट्रेड कर सकती है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स इशू किए हैं या क्या क्या इंसेंटिव्स दिए हैं, यहाँ पे हम एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करेंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन आपका वहाँ पे वैलिड होगा जहाँ पे आपकी कंट्री ईजिली एक्सपोर्ट्स को कर सकती है। अब आपके पास बात आएगी, एक आपके पास आएगा डोमेस्टिक एरिया, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, एक आएगा स्पेशल एरिया। उसके बाद आप बात करोगे पूरी कंट्री, पूरी कंट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है आपका स्पेशल वाला एरिया जहाँ पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने पे रिलैक्सेशंस मिलते हैं, दूसरा उस स्पेशल एरिया को छोड़ के जितना भी लेफ्ट आउट एरिया होता है किसी कंट्री का उसको हम डोमेस्टिक एरिया बोलते हैं। अब हम एक्सपोर्ट्स की अगर बात कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट्स फॉरेन करेंसी को जनरेट करने का, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने का एक बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि कोई भी कंट्री जब एक्सपोर्ट करती है तो उसको बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको टैक्स में भी कंसेशंस मिलती हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी बनाई हुई हैं जिनके बेसिस पे हम फॉरेन करेंसी को अटेन कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर सकते हैं और अपनी कंट्री की डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास है एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड सेकंड वी हैव इज इंसेंटिव स्कीम्स। पहला हम पार्ट करेंगे इंसेंटिव्स का, यानी कि जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो उत्पादक हैं, उनको क्या क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं। सबसे पहला, कोई भी कंट्री जब एक्सपोर्ट करना चाहती है तो उसने उस एक्सपोर्ट को करने के लिए जो रॉ मटेरियल ख़रीदा है उन पे जो इनपुट्स दिए हैं उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। सेकंड, फाइनल प्रोडक्ट जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोसेस किया था, उसमें आप ए बी सी सारी प्रोसेसेस करने के बाद जब फाइनल अकाउंट बना रहे थे, सॉरी फाइनल प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे भी आपको अब कोई टैक्स पे नहीं करना अगर उस फाइनल प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। और अगर कोई टैक्स आपने ऑलरेडी दे दिया है तो जैसे आपने अब तक ITC पढ़ा है सेम वो ड्यूटी आपको वापस मिल जाएगी। थर्ड, आप अगर रॉ मटेरियल वगैरह को इम्पोर्ट कर रहे हो क्योंकि उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके आपने फाइनल प्रोडक्ट जो बना रहे हो उसको एक्सपोर्ट करना है तो उसके ऊपर कोई आपको सीमा शुल्क भी नहीं देना, कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देनी, कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी। आपको अगर आपके टर्नओवर 5 करोड़ तक है और आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बैंक की कोई गारंटी भी नहीं देनी। आपको बैंक से कंसेशनल रेट पे यानी कि कम ब्याज दर पे आपको लोन भी प्रोवाइड हो जाएगा अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। साथ में अगर आप कैपिटल गुड्स खरीदना चाहते हो यानी कि कोई आप मशीनरी वगैरह परचेज करना चाहते हो
उस मशीनरी से आप जो प्रोडक्शन करोगे उसको एक्सपोर्ट करेंगे आप, तो भी उसके ऊपर आपको इम्पोर्ट ड्यूटी देने में कुछ कंसेशन मिल जाएगा, इनकम टैक्स से आपको एग्जम्पशन मिल जाती है, लाइक वैट, CST, सेंट्रल सेल टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, किसी भी तरह का आपने टैक्स देना है तो इन सब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो। सेकंड हमारे पास आता है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, यानी कि कुछ ऐसी योजनाएं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई हुई हैं ताकि हम एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकें। फर्स्ट हमारे पास आता है ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी यानी कि टैक्स का पार्ट है, ड्रॉबैक वापस लेना। जैसे अब तक आपने GST में ITC पढ़ा था, सेम केस ये होता है ड्यूटी ड्रॉबैक। अगर आपने कोई टैक्स अब तक पे कर दिया है और आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा एक्सपोर्ट आपकी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है तो उसके ऊपर दिया गया टैक्स आपको वापस मिल जाता है। सेकेंड लाइन में देखो जैसे लिखा हुआ है, ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब पेइंग बैक ए ड्यूटी प्रीवियसली पेड, जो ड्यूटी जो टैक्स आप ऑलरेडी दे चुके हो अब वो आपको वापस मिल जाएगा। यानी कि जैसे ITC आपको रिफंड हो जाता था, सेम केस अगर कोई टैक्स आपने पे किया है मटेरियल इंपोर्ट करने के टाइम पे, तो उस मैन्युफैक्चरर को एक्सपोर्ट की जाने वाली गुड्स के रिगार्डिंग ITC की तरह से यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल GST की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको ITC मिलता है, और अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली बात कर रहे हो तो कस्टम ड्यूटी अगर आपने पे की है तो वो आपको उसको हम ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं। यहाँ पे जो आपको ड्यूटीज़ और टैक्सेस रिफंड होंगे स्कीम में, वो दो टाइप के हैं, पहला कस्टम और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इनपुट्स के रिगार्डिंग, और दूसरा इनपुट सर्विसेज के रिगार्डिंग। दो टाइप की, सेक्शन 74 और 75 इसको डिफाइन करता है। दो तरीके से आपको ये मिल सकती है, यानी कि जितना टैक्स आपने दिया है क्या उसका पूरा अमाउंट वापस मिल जाना चाहिए या उसका कुछ पार्ट वापस मिलेगा। सेक्शन 74 और 75 इसको डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे आपको इसको पढ़ना कैसे है, अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, कोई गुड्स खरीदे हैं, उन गुड्स को आप यूज़ किए बिना सिर्फ अपनी कंट्री का लेबल लगा के एक्सपोर्ट कर रहे हो, फर्स्ट केस आपने इम्पोर्ट किया लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए, सेक्शन 74 इसको डिफाइन कर रहा है। ये कहता है फर्स्ट पॉइंट में, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो उन गुड्स को, एज इट इज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको कितना अमाउंट वापस मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा आपको 98%, यानी कि आपने मान लीजिए 10,000 अगर टैक्स दिया है, आपने गुड्स इंपोर्ट कर ली लेकिन आप कह रहे हो मैंने इसे अपनी कंट्री में यूज़ नहीं करना एक्सपोर्ट करना है, तो आपने विदाउट यूज़ उन्हें खोल के यूज़ नहीं किया, सिर्फ अपनी कंट्री की स्टैंप लगा के एज इट इज़ उन्हें बाहर भेज देते हो, तो यहाँ पे आपके ना 10,000 में से 98% यानी 9,800 रुपये आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। सेकंड केस, यूज़ करने के बाद अगर भेजते हो तो 74 का सब सेक्शन टू इसको डिफाइन करता है। ये कहता है कि आपने अगर कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट की हैं, इंपोर्ट करने के बाद उनको उनका कुछ पार्ट कुछ ईयर्स तक, कितने ईयर्स तक आप यूज़ कर रहे हो, तो जितने ईयर्स तक उन गुड्स को यूज़ करने के बाद आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भी आपको ड्यूटी का ड्रॉबैक मिल जाता है। उसके बाद आपका किन केसेस में अलाउड नहीं होता, जैसे आपका ITC अलाउड नहीं था कुछ केसेस में, सेम केस ड्यूटी ड्रॉबैक भी इन स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। आगे हमारे पास है कि कितनी रेट से डायग्राम बना हुआ है, अगर आप किन्हीं इंपोर्टेड गुड्स को फर्स्ट ईयर में एक क्वार्टर तक यूज़ कर रहे हो, यानी कि 3 महीने तक आपने यूज़ किया है, तो 4% कट जाएगा, यानी कि 100 में से 4 घटा दो, 96% आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा अगर आपने उन इम्पोर्टेड गुड्स को सिर्फ 3 मंथ्स यूज़ किया है। अगर आप दूसरे साल में यूज़ कर रहे हो, यानी कि फर्स्ट ईयर के नाम का आपका कट गया 4% हर क्वार्टर के लिए, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो कितना डिडक्ट हो गया 4 × 4 16%। नेक्स्ट ईयर में आते हैं, अभी कह रहे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में यूज़ करते हो तो 3% आपका डिडक्ट हो जाएगा, थर्ड ईयर में 2.5 और लास्ट फोर्थ ईयर में आपका 2% के अकॉर्डिंग। इसके पॉइंट्स देखिए, अगर आप इंपोर्टेड गुड्स को 2 ईयर्स से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, 2 ईयर्स से ज़्यादा, उस केस में आपका ड्यूटी का ड्रॉबैक तभी अलाउड होगा जब आपने 2 ईयर्स के बाद भी उन गुड्स को यूज़ कर रहे हो।
आप ड्यूटी ड्रॉबैक लेना चाहते हो जब आप गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप इन इम्पोर्टेड गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तभी आपका फर्दर 2 ईयर्स का टाइम एक्सटेंड हो सकता है। आई रिपीट, यहाँ पे आपको 4 साल दिए हुए हैं, सिर्फ 2 ईयर्स तक ही आप ड्यूटी ड्रॉबैक ले सकते हो। फर्दर जो 2 ईयर्स लेने हैं, इसके बाद आपको गवर्नमेंट को, कस्टम ऑफिसर्स को प्रूव करना होगा कि आप इन गुड्स को बेटर कंडीशन में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। 4 साल के बाद आपको कोई भी ड्यूटी का ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, यानी कि ITC लगा लीजिए, आपको ITC नहीं मिलेगा। उसके बाद अदर गुड्स, ऐसी कोई भी गुड्स जो आपने इम्पोर्ट की हैं, इम्पोर्ट करने के बाद आपने यूज़ कर ली, उसके बाद आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, यानी कि कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हो सकते हैं, कुछ बाकी आपकी नॉर्मल गुड्स हो सकती हैं, इनके लिए भी हमें रेट्स दिए हुए हैं। कितना हमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, ये डायग्राम बना हुआ है, आपको सिर्फ फर्स्ट और लास्ट याद रखना है। 3 महीने से ज़्यादा ना यूज़ किया हो तो 95% वापस मिल जाएगा, 1.5 साल से ज़्यादा यूज़ ना किया हो तो भी आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 1.5 साल से ज़्यादा यानी 18 मंथ से ज़्यादा किन्हीं गुड्स को यूज़ कर लिया है तब एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको कुछ भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। उसके बाद ड्रॉबैक अंडर सेक्शन 75 में था, जब आपने इम्पोर्टेड मटेरियल को यूज़ कर लिया है, कब यूज़ किया है, आपने एक्सपोर्ट की जाने वाली गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किए, इट मीन्स यू आर इम्पोर्टिंग रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस गुड्स टू मेक एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम कस्टम्स एक्ट में अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग ड्रॉबैक का रेट बता दिया जाता है कि कितना अमाउंट आप रिकवर कर सकते हो। सेकेंड आता है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, जिसको इसने दूसरा नाम दिया है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। कैपिटल गुड्स का मतलब ऐसी वस्तुएं जो कि आपकी ज़्यादा अमाउंट की हैं, जिनसे आप 1 से ज़्यादा सालों से प्रोडक्शन कर सकते हो। जैसे आप कोई प्लांट परचेज कर रहे हो, कोई मशीनरी परचेज कर रहे हो, कोई इक्विपमेंट परचेज कर रहे हो, जिनसे आप प्रोडक्शन करके गुड्स का एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसी गुड्स के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ प्रमोशन स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं। 2 टाइप की हैं, 0 ड्यूटी यानी कि जिन कैपिटल गुड्स को मंगवाने पे आपको कोई चार्ज नहीं देना, दूसरा 3% वाला। 3% वाला केस अब एप्लीकेबल नहीं है, प्रेजेंट सिनेरियो में 3% इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट प्रमोशन की जाने वाले कैपिटल गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं है। अब जितनी भी आप कैपिटल गुड्स अगर इम्पोर्ट कर रहे हो, जिन्हें आप एक्सपोर्ट पर्पजेज़ के लिए यूज़ करोगे, उनके ऊपर अब 0 ड्यूटी है, ये आपको याद रखना है। 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 0% वाला एप्लीकेबल है। 0 ड्यूटी EPCG स्कीम क्या है या एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम क्या है, इसमें किसी व्यक्ति ने अगर कैपिटल गुड्स को इम्पोर्ट करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए अगर लाइसेंस लिया हुआ है, जो लाइसेंस हमने कल किया था, ओपन जनरल लाइसेंस, जिसमें कोई भी व्यक्ति फ्रीली इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकता था, उस लाइसेंस के बेसिस पे अगर किसी व्यक्ति ने एक्सपोर्ट करने के लिए कोई कैपिटल गुड्स खरीदी है, तो उसके ऊपर उसको 0 ड्यूटी देनी है, यानी कि उसको इम्पोर्ट के चार्जेस नहीं देने। अब कितना उससे रिकवर किया जाएगा बदले में, जितने उसने गुड्स इम्पोर्ट किया उसका कम से कम 6 टाइम्स और 6 ईयर्स तक, 2 बार 6 6 आएगा, 6 सालों तक उससे उसको कहा जाएगा कि आप इतना एक्सपोर्ट करो कि ये जो ड्यूटी हमने डिडक्ट की है ये रिकवर हो जाए। ये स्कीम सभी कैपिटल गुड्स के इम्पोर्ट पे एप्लीकेबल है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इंडियन सप्लायर्स को प्रमोट करने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। गर्ल्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गर्ल्स कैन यू हियर मी? यस मैम। ओके 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 ओके। तो यहाँ पे हम जो ड्यूटीज लगा रहे हैं 0% वाली लगा रहे हैं, ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। उनसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपकी जितनी ड्यूटी हम माफ़ कर रहे हैं इसका 6 टाइम्स आप प्रोड्यूस कीजिए और उसको एक्सपोर्ट कीजिए। थर्ड आता है हमारे पास डीम्ड एक्सपोर्ट। बच्चे ये अलग से भी इम्पॉर्टेंट है, डीम्ड एक्सपोर्ट्स।
इस चैप्टर में ये सब कुछ अब तक जो किया ये आपका बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं था, सिर्फ ये नॉमिनल बेसिस पे आप इसको इम्पोर्टेंट कह सकते थे। अब आपके पास जो आता है डीम्ड एक्सपोर्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक्सपोर्ट प्रमोट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन्स, ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप डीम्ड एक्सपोर्ट को ध्यान से सुनिए। डीम्ड मतलब माना जाना, एक्सपोर्ट्स जो एक्सपोर्ट आपने रियल में नहीं किए, जिन गुड्स की मूवमेंट इंडिया से बाहर नहीं हुई फिर भी हमने उनको एक्सपोर्ट मानना है। आई रिपीट, जो गुड्स इंडिया से बाहर मूव ही नहीं हुई उनको हमने एक्सपोर्ट मानना है, उन्हीं को हम कहेंगे डीम्ड एक्सपोर्ट। ऐसी सप्लाइज के लिए जो भी हमें पेमेंट मिलेगा, चाहे वो इंडियन रुपीस में मिले या किसी दूसरी कंट्री की करेंसी के रूप में मिले, वो भी हमारा एक्सेप्टेबल होगा। हमारी ही कंट्री के टेरिटोरियल या टैक्सेबल टेरिटोरियल में रहते हुए जब हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो गुड्स इंडिया में ही एग्जिस्ट कर रही हैं तो भी हमने उनको एक्सपोर्ट मानना है। ये भी फॉरेन एक्सचेंज का एक सोर्स माना जाता है। ये किस लिए किया जाता है? ताकि हम इम्पोर्ट जो कर रहे हैं वो हमारा फ्री हो जाए, ड्यूटी फ्री हो जाए। इसको आप पढ़ते हैं कैसे कैसे माना जाएगा या किन सप्लाइज़ को करने पे हम कहेंगे ये हमारा एक्सपोर्ट डीम्ड एक्सपोर्ट है। सबसे पहला, अगर आपने एक्सपोर्ट प्रमोशन वाली कैपिटल गुड्स के लिए कोई सप्लाई की है, तो जैसे अगर कोई कंपनी या कोई फर्म एक्सपोर्ट करना चाहती है, उसको किसी प्लांट की रिक्वायरमेंट है, किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर ने उसको वो प्लांट दे दिया, तो माना जाएगा कि उन दोनों ने एक्सपोर्ट किया है। ठीक है बच्चे, ओके मैम, अगर, रिपीट करना। हाँ जी कर रही हूँ, अगर कोई फर्म, एक्सपोर्ट करना चाहती है और उसको कोई प्लांट, किसी मशीन की, किसी भी इक्विपमेंट की नीड है, तो अगर इंडिया की ही कोई दूसरी फर्म उसको वो इक्विपमेंट, वो प्लांट या वो मशीनरी प्रोवाइड कर देती है तो माना जाएगा। अब जो फर्म एक्सपोर्ट कर रही है उसके तो एक्सपोर्ट माने ही जाएंगे, लेकिन जिस फर्म ने उसको ये सब सप्लाई किया तो मान लिया जाएगा कि सप्लाई करने वाला भी एक्सपोर्ट ही कर रहा है। ये है डीम्ड एक्सपोर्ट। दूसरा, अगर आपने कोई सप्लाई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को की है, आपने किसी फ्री ट्रेड जोन को कोई सप्लाई की है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बच्चे ये सब आपने इनकम टैक्स में भी पढ़ा होगा, ये सारी आपकी डीम्ड एक्सपोर्ट में आती है अगर इनको आपने कोई भी सप्लाई की है तो। उसके बाद अगर आपने फर्टिलाइजर प्लांट्स को कोई सप्लाई की है, अगर आपने यूनाइटेड नेशन एजेंट्स को क्यों उनके किसी प्रोजेक्ट में आपने पैसे लगाए हैं तो भी ये सब आपका एक्सपोर्ट्स माना जाता है। अगर आपने न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए कोई सप्लाई की है तो वो भी आपकी एक्सपोर्ट मानी जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, आइए बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हम ये डीम्ड एक्सपोर्ट करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो हमने ये कहा कि जो आपके गुड्स हैं, जो आपकी सप्लाई है वो इंडिया में ही रहती है, मूव नहीं करती। इट मीन्स एक बार एक्सपोर्ट करने के बाद आप उनको रीयूज़ भी कर सकते हो। आपको ड्यूटी ड्रॉबैक भी मिल जाएगा क्योंकि हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। आपको जो एक्सपोर्ट करना है डीम्ड एक्सपोर्ट, उसके बेसिस पे आपको इम्पोर्ट का लाइसेंस भी मिल जाता है, यानी कि रॉ मटेरियल बाहर से मंगवा के भी आप गुड्स मैन्युफैक्चर करके उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बिडिंग कर सकते हो, यानी कि आप इंटरनेशनल ट्रेड जब कर रहे हो तो इंडियन गुड्स को यूज़ करके ही आप इंटरनेशनल मार्केट में इजीली कॉम्पीट कर सकते हो। ये हैं हमारे डीम्ड एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स जो कि इंडियन सप्लायर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है ड्यूटी फ्री, यानी कि टैक्स नहीं लगेगा, इम्पोर्ट ऑथोराइजेशन, यानी कि इम्पोर्ट करने के लिए अथॉरिटी दे देना और उस इम्पोर्ट पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
ये दो स्कीम थी पहले जिसको मिला के अब एक कर दिया गया है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोराइजेशन। इसमें आप सारी मटेरियल्स मंगवा सकते हो और कैपिटल गुड्स मंगवा सकते हो, वो सभी जो कि 2006 के बाद इन सब के ऊपर हमने ड्यूटी या टैक्सेस लगाने बंद कर दिए। अगर कोई इंपोर्ट या फिर कोई कैपिटल गुड्स आप एक्सपोर्ट करने के पर्पसेस से अगर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो इनके ऊपर भी हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने के लिए अधिकृत करना। इसके किस बेसिस पे किया जाएगा, कुछ रूल्स बने हुए हैं स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट के नॉर्म्स। नेक्स्ट आता है ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। ये नाम से डिफ़िकल्ट है लेकिन कुछ भी नहीं है। आपने ई लेजर्स किया है ना, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर किया है ना बच्चे? उस क्रेडिट लेजर में हम क्या लिखते थे कि किसी व्यक्ति ने कितना टैक्स दिया अपनी इनवर्ड सप्लाई पे, और आउटवर्ड सप्लाई पे जब उसने टैक्स देना है उसका आउटपुट वाला जीएसटी है तो वो वहाँ से रिकवर कर लेता था। सेम केस अगर किसी एक्सपोर्टर ने इंपोर्ट करते टाइम कोई टैक्स पे किया है तो उसको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। उस ड्यूटी ड्रॉबैक को अगर उसने अब कोई टैक्स देना है कस्टम एक्ट के अकॉर्डिंग तो वो वहाँ से उसको बैलेंस कर सकता है। जैसे आप ITC को यूज़ करते थे, सेम केस यहाँ पे आप इस पासबुक से जो कि ड्यूटी कौन सी, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला टैक्स है, उससे आप रिकवर कर सकते हो। बच्चे यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिल्कुल आपका ITC वाले ई लेजर्स की तरह काम करता है। उसके बाद आपके पास है सर्व्ड फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया से प्रोवाइड करना कोई चीज़। अलग अलग टाइप के इंपोर्ट के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि इंडिया से प्रोवाइड की जाने वाली चीज़ों को हम प्रमोट कर सकें। गवर्नमेंट से अगर कोई पर्सन सर्व्ड फ्रॉम इंडिया, ये एक ब्रांड है, अगर इस ब्रांड के नेम से कोई भी पर्सन एक्सपोर्ट करना चाहता है जिसकी फॉरेन एक्सचेंज एक साल में कम से कम 5 लाख रुपए है, तो ऐसा कोई भी पर्सन सर्व्ड फ्रॉम इंडिया के ब्रांड नेम से एक्सपोर्ट कर सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट इंसेंटिव्स भी इशू किए हुए हैं। उसके बाद है विशेष कृषि उपज एंड ग्राम उद्योग योजना। अगर हमारे फार्मर्स कोई फ्रूट्स वेजिटेबल्स कोई फूल सब्जियां फल वगैरह बाहर भेजना चाहते हैं तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम इशू की हुई है। और इस स्कीम में एक्सपोर्टर को जो ड्यूटी देनी है, जो टैक्स पे करना है, वो उसकी जो ड्यूटी लगेगी वो 5% देना है इसके एक्सपोर्ट्स के। यानी कि कितना इंपोर्ट कर सकते हैं और कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्टर ने जो इंपोर्ट करना है फल फूल सब्जियां किसी खेती वाले उत्पाद को अगर बाहर भेजना है तो छोटे उद्योगों को जो कि ग्रामीण और कुटीर उद्योग होते हैं, विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज, उनके इंपोर्ट का 5% एक्सपोर्ट की वैल्यू निकालेंगे, उसका 5% उनका इंपोर्ट ड्यूटी फ्री होगा। नेक्स्ट है फोकस प्रोडक्ट और फोकस मार्केट। जब इंडियन प्रोडक्ट को आपको इंडिया में उसकी सेल इतनी नहीं है और अगर अदर कंट्रीज़ उसको ज़्यादा पसंद करती हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री में इंडिया का या किसी पर्टिकुलर एरिया में इंडिया का मार्केट शेयर कम है, तो ऐसे मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए या फिर ऐसे प्रोडक्ट को बाहर सेल करने के लिए जिसे अपनी कंट्री से ज़्यादा बाहर की कंट्री में लोग रेकमेंड करते हैं, उसके लिए हम ड्यूटीज़ में कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। वो आपका 1.25 अगर कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उस प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसके प्रमोशन के लिए आपका 1.25 एक्सपोर्ट का आपका आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और अगर आप प्रॉपर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, किसी प्रॉपर मार्केट में एक्सपोर्ट करना चाहते हो जिस मार्केट में इंडियन शेयर कम है, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, वहाँ पे आपको 2.5% आपको एक्सपोर्ट के लिए प्रमोशन मिल जाएगा, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी आपकी वहाँ पे फ्री हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन। बच्चे ये अलग से ही एक टॉपिक आता है, शॉर्ट नोट के फॉर्म में आ सकता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर एक्सपोर्ट वाला। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, इसके डायग्राम में देखो
पूरा जो बड़ा ओवल बना हुआ है दैट इज़ इंडिया, पूरा इंडिया यानी कि यहाँ पे आप कहीं भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, उसके अंदर एक जो छोटा ओवल बना हुआ है उसको हम कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जो कि अगर किसी एक ही कंट्री के, आई रिपीट, किसी कंट्री के एक स्पेसिफिक पार्ट को जो कि उसी कंट्री में एग्जिस्ट करता है उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, उसी कंट्री के क्षेत्र में होते हुए भी उसको फॉरेन टेरिटरी माना जाता है, इसी को हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट्स करते हो तो इस पर्टिकुलर एरिया में प्रोडक्शन करने वाले मैन्युफैक्चरर्स को हम अलग स्कीम्स, अलग तरह की प्रमोशन देते हैं जिनको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के नाम से जानते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सबसे पहले इंडिया में आई थिंक कांदला में इसको यूज़ किया गया था। सबसे पहले इसमें देखा गया कि 2000 में इसको बनाया गया, 2006 में इसके लिए एक्ट बनाया गया था, आपने शायद एनवायरनमेंट में ये पढ़ लिया होगा। तो ये एक ऐसे एरिया होते हैं जिनके पास इतना पोटेंशियल है कि वो इतनी प्रोडक्शन कर सकते हैं जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकें, जिससे हम अपनी आर्थिक वृद्धि कर सकें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को ड्यूटी फ्री एरिया के नाम से जाना जाता है, ऐसा एरिया जो कि किसी कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर हो सकता है, किसी कंट्री के क्षेत्र के अंदर हो सकता है, लेकिन इसको फॉरेन टेरिटरी माना जाएगा। आई रिपीट, इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर रहते हुए ही किसी स्पेसिफिक क्षेत्र को फॉरेन टेरिटरी मान लिया जाता है, ऐसा क्षेत्र जिसके ऊपर कोई टैक्स कोई कर नहीं लगेगा। क्यों बनाते हैं हम इस तरह के जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन? ताकि हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, अपना व्यापार बढ़ा सकें, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकें, जॉब क्रिएट कर सकें, अपना प्रशासन अच्छा कर सकें। बहुत सारी कंट्रीज़ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं ताकि वो अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकें। फीचर्स, इसको फॉरेन टेरिटरी माना जाता है, ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए हम सेस बनाते हैं, बहुत ईजी और बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स सेस के अंदर फॉलो होते हैं। उसके बाद सेस की ऑब्जेक्टिव्स हैं, फोर्थ पॉइंट है इसमें एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। जब आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर प्रोडक्शन करो, उसको एक्सपोर्ट करो, आपको इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, इन सब में रिलैक्सेशन मिल जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उस पैराग्राफ में मेंशन है। हिस्ट्री, सबसे पहले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नाम से एक चीज़ आई थी और इंडिया एशिया की फर्स्ट कंट्री है जिसने इस तरह के जोन्स को आइडेंटिफाई किया था। 1965 में कांदला में सबसे पहले ये आया था। उसके बाद कुछ कमियां थी जिसकी वजह से प्रॉपर एक्सपोर्ट्स को हम नहीं कर सकते थे, उन कमियों को रिमूव करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पॉलिसी बनाई गई 2000 में। 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक एक्ट पास किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट। उसके बाद अब कितने कितने सेज इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं ये आपको डाटा गिवन है। इस सेज को अलग अलग टाइप के टैक्सेस के लिए रिलैक्सेशंस और एग्जम्पशंस प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन्स। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन यानी कि ऐसी यूनिट्स जिनका सारा का सारा प्रोडक्शन हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। ऐसी एक्सपोर्ट में इनपुट्स और कैपिटल गुड्स यानी कि मटेरियल, छोटी चीज़ें, कम अमाउंट की चीज़ें और कैपिटल गुड्स, इन सारी एक्टिविटीज़ को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए आप अगर कुछ इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको कस्टम ड्यूटी भी नहीं देना। आपको किन किन कंडीशंस में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में कंसेशंस मिल जाते हैं, जैसे आपको सेंट्रल सेल टैक्स नहीं देना, आपने अगर कोई सर्वे टैक्स दिया तो वो वापस मिल जाएगा, एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी, कस्टम ड्यूटी नहीं देनी, इनकम टैक्स नहीं देना, आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस नहीं लेना, क्योंकि आप अगर स्मॉल स्केल के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो वो आपने रिजर्व किया हुआ है कि उसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग को आप एक्सपोर्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सपोर्ट करने से जितना भी आपको अमाउंट मिलेगा वो 12 मंथ्स के अंदर अंदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट से आपका रिकवर हो जाता है। अगर किसी एक्सपोर्टर की टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, आई रिपीट, अगर किसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट की टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उनको बैंक गारंटी भी देने की ज़रूरत नहीं है अगर वो कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो। लास्ट पॉइंट है
प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन एंड रेशनलाइजेशन मेजर्स, यानी कि आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने में, आप इम्पोर्ट कर रहे हो तो आप उन चीज़ों को इम्पोर्ट कर रहे हो जो कि एक्सपोर्टेबल गुड्स बनाने में आपकी हेल्प करती हैं, उनके लिए सारी प्रक्रिया बहुत ही सिंपल बनाई गई है ताकि आप इम्पोर्ट ईजिली कर सकें, उनके बेसिस पे एक्सपोर्टेबल गुड्स को प्रोड्यूस करके आप उनको भी एक्सपोर्ट कर सकें। फर्स्ट पॉइंट, आपको क्या क्या रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। पहला, आप सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स को भी इम्पोर्ट कर सकते हो जिसमें आपको कोई भी उस कैपिटल गुड की वो ईयर्स ऑफ यूसेज नहीं देखना। सेकेंड, सारे एक्सपोर्टर्स को बैंक गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, वो किसी भी चीज़ का इम्पोर्ट ईजिली कर सकते हैं, बार बार उनको गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा, 24 मंथ्स के लिए लाइसेंस वैलिड माना जाता है, जो यूनिट्स टोटली 100% एक्सपोर्ट करती हैं उनका लाइसेंस 24 मंथ्स यानी 2 ईयर्स के लिए वैलिड है। रिटर्न्स भी अब आपको बहुत कम फाइल करनी है। कस्टम एक्ट के अंडर पहले एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने में स्पेसिफिक एक्ट बनने से पहले आपको बहुत सारे रिटर्न्स और फाइल्स बनानी पड़ती थी, अब आपके नंबर ऑफ़ रिटर्न्स कम हो चुकी हैं। आपको जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड के लिए फ़ीस देनी है वो भी कम हो चुकी है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला कोड बच्चे आपका वो HSN वाला आएगा जिसमें हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसके अंदर किसी स्पेसिफिक गुड्स को एक कोड प्रोवाइड किया जाता है ताकि वर्ल्ड वाइड उन गुड्स को ईजिली हम आइडेंटिफाई कर सकें। उसके बाद आपके पास आता है जो आपके ये प्रोसीजर्स हैं, इनको किस तरह से गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई किया है ताकि आप ईजिली एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर सको। अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है तो आपको लिमिटेड रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो तो सिर्फ वही डिटेल आपको डालनी है, आपको लाइसेंस लेने की, आपको रजिस्ट्रेशन की, ये सब रिटर्न अब फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बच्चे ये था आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स।